भगदड़, मौत, मातम और चीख पुकार। जुलाई के पहले मंगल को ही अमंगल हो गया। करीब 121 लोगों की मौत हुई। हर तरफ सदमा, हर तरफ मातम पसरा रहा। सिसकियों और संवेदनाओं से भरी ये भगदड़ की ऐसी कहानी है जिसे सैकड़ों परिवार ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। बाबा के लिए भक्ति लोगों को खींच कर ले आई थी, लेकिन कौन ये जानता था कि वो बाबा जिसके दरबार में वो जा रहे हैं, जिसके कदमों की धूल वो लेने जा रहे हैं, फिर वो कभी लौटकर अपने परिवार के साथ नहीं मिलेंगे। दुख भरा हादसा जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस वक्त भी 30 से ज्यादा लोग घायल हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं अस्पताल में। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे को करो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? मो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। जख्म जो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। तस्वीरें जिन्हें देखकर लोग सहम जाएंगे। दर्द जो जिंदगी भर सालता रहेगा। जिंदगी के बिखराव को भक्ति का मार्ग संवारता है, लेकिन हाथरस में सैकड़ों परिवार बिखर गए। सत्संग की चाह ने जिंदगी में ऐसा सन्नाटा भर दिया कि शायद ही ये परिवार इसे भूल सके। यहां किसी न किसी का कोई अपना खोया है। किसी की मां, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन। मौत भगदड़ के बहाने आई और सब कुछ छीन लिया। बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है, ये मेरा भतीजा लगता है। किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ। तो उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है, एक बार तो आना चाहिए क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। हादसे वाली जगह की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। लाशों के ढेर के बीच किसी अपने के जिंदा होने की उम्मीद भी बदहवास कर रही है। चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए, तू मैंने के 2 दिन पहले गई ही मैंने के, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसे महीना खान पी के चली जा, सुन नहीं मानी। ओले बाबा और सूरज पाल का सत्संग सुनने के लिए लोग कई सालों से आ रहे थे, लेकिन 2 जुलाई को सूरजपाल का समागम कई परिवारों के लिए आखिरी समागम में तब्दील हो गया। भगदड़ में लोगों की मदद करने वाले भी अपनी जान गवा बैठे। मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो का कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। सोचिए उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसने इस भयानक हादसे में बेटी, पत्नी और माँ को खो दिया। मेरी घरवाली गई, माँ गई, भैया मेरी तो सब लुट गया, मैं तो भैया कछु ना बचो। आप जिधर नजर डालेंगे वहां का मंजर डराता है। बेहिसाब सिसकियां अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं।
में से और भी चाची सास है वो तो एक्सपायर हो गई, गेटासन की डेड बॉडी आ रही है, और भी हैं गांव के कुछ लोग हैं और उनके यहाँ से पूरी बॉडी है, यहाँ से पैर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। छुट्टी हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हो गई। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव। सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म है वे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतका, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालो सो। हाँ। तो गांव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी। सत्संग मैया भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी भाई। हाँ। और वहाँ कींच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। की वजह से? हाँ, मेरे दो बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। ये हादसा दिमाग को झकझोर देता है, यहाँ हर कोई मातम में डूबा है, किसी को अपनों के खोने का गम है तो किसी को इस हादसे की टीस। एक का है सास की, एक का पता नहीं है तो बहू का, तो पहले इनका करा लीजिए और उसके बाद इनके साथ रहिए। हजारों लोग जब सूरजपाल के सत्संग में पहुंचे थे तो पूरे इंतजाम के साथ आए, लेकिन आयोजकों की बदइंतजामी और भगदड़ के बाद जो कुछ बचा उसे देखकर संवेदनाओं और सवालों के ज्वार भाटे के सिवा बचा ही क्या। जरा सोचिए, जहां 80,000 लोग पहुंचने थे वहां करीब 2,50,000 लोग सत्संग में पहुंचे, यानी तय तादाद से 3 गुना ज्यादा। लेकिन व्यवस्था को कंट्रोल करने के नाम पर कुछ भी नहीं था, और शायद यही वजह रही कि हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समा गई। आइए आपको उन परिवारों की कहानी दिखाते हैं जिन्होंने मौत के उस मंजर को बेहद करीब से देखा। चाची मिल गई है और ये गायब है, ये नहीं मिली। एटा भी गए थे, अलीगढ़ भी गए थे, वहाँ पे नहीं मिली। इलाज चल रहा है अभी? इलाज नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा है। कहते हैं भक्ति का मार्ग आपको दुनिया के हर दुख से दूर लेकर जाता है। लेकिन अब हम जिन लोगों की कहानी आपको सुनाने दिखाने जा रहे हैं, इन्हें भक्ति के पथ पर चलकर वो दुख मिला जो अंतहीन है। ये कहानी उन चश्मदीदों की है जो किसी तरह मौत की भगदड़ से खुद तो बच निकले, लेकिन भीड़ में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ, किसी ने पत्नी। कोई लोग पीछे से धक्का दे रहे थे और मम्मी गिर पड़ी, फिर मम्मी चिल्लाने लगी, फिर सब लोग उनके ऊपर चढ़ गए, मम्मी मेरे ऊपर चढ़ी थी। तो नीचे तो मम्मी दब गई थी है? कहते हैं पिता के कांधे पर बेटे के शव का भार जीवन में सबसे पीड़ादायक होता है, लेकिन हाथरस के हादसे ने कई कंधों पर उनके बच्चों के शव लाद दिए। बाबा के सत्संग में कुंवरपाल नाम के एक श्रद्धालु खुशी खुशी पहुंचे थे, लेकिन लौटे अपने भतीजे के शव को कांधे पर लेकर। भतीजा सर मेरा है। किसके साथ सत्संग में आया था? माँ के। माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। अभी लेकर आप इसको यहाँ पहुँचे हैं मोर्चरी में? जी। कहाँ से आप मिला? ये सर यही मेडिकल में ही मिला था। मौत का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम नजर आई। कोई अपनों को अस्पताल में ढूंढ रहा था, कोई पोस्टमार्टम हाउस में, कहीं तो कोई पता मिल जाए उन बिछड़े लोगों का जो अब कभी नहीं लौटने वाले। एक ऐसे ही शख्स पर हमारी नजर पड़ी जो आगरा से अपनी पत्नी को ढूंढते हुए पहुंचे। अब आपके कौन थी जिनको आप ढूंढ रहे? मेरी मिसेज हैं।
आपकी मिसेज है, क्या अब तक आप उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है कि वो कहां पर है, मालूम नहीं पड़ पा रहा? नहीं मालूम पड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं मालूम। रोते बिलकते चेहरों के बीच हम ऐसे किसी की तलाश कर रहे थे जिसने पूरी घटना अपने आंखों से देखी हो, ताकि हादसे के पीछे का सच पता चल सके। तभी हमारी मुलाकात एक चश्मदीद से होती है जिसने मौत के मंजर को अपनी आंखों से देखा। दो चार लाख की ऊपरी भीड़ थी, रोड के दोनों साइड में बसें भरी पड़ी थी और पुलिस प्रशासन भी था थोड़ा, लेकिन इनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी बाबा की स्पेशल, जो पिंक कलर में पिंक ड्रेस में थी, और कुछ ब्लैक कैंट कमांडो भी थे। तो 25-30 गाड़ियां आई, उनका सत्संग हुआ वहां पर, 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम चला। उसके बाद जब बाबा वापस हुए तो 20-25 गाड़ियां रही होंगी। जब वो वापसी आ रही थी तो यहां पर कट पे आकर के 10-15 गाड़ी आगे निकली, तो यहां के जो उनके अनुयायी थे वो उस धूलू को उठाने के चक्कर में और एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। सत्संग सुनने के लिए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर बहराइच से भी एक ग्रुप आया था, लेकिन भगदड़ मची तो सब बिछड़ गए। अपने साथियों को तलाशते लोगों के चेहरे पर दुखों का समंदर तैर रहा था। 65 लोग एक बस में आए थे यहाँ सत्संग करने, और इसके बाद सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे, और 7 बजे के बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ 12 बजे प्रभु जी दर्शन दिए, और प्रभु जी 1:30 बजे वहाँ से चले गए। हम तो तत्काल वहाँ से ग्राउंड से बाहर हो गए। इसके बाद जो हमारे और पैसेंजर थे वो पीछे थे, और इसके बाद भड़दड़ मची है जिसमें 2 पैसेंजर हमारे भी गायब है। मौत के सत्संग में सिर्फ खून के रिश्ते ही नहीं टूटे, बल्कि कईयों ने अपनी जिगरी दोस्तों को खोया, तो किसी ने अपने साथी को। देर रात तक तो चेहरों पर उम्मीद बाकी थी, लेकिन वक्त के साथ वो उम्मीद भी टूटती चली गई। कितने लोग हैं? 65 आदमी हैं, 65 जने हैं। नहीं कौन है, पुरुष है, महिला है, कौन महिला है? महिला है, महिला है, महतारी बिटिया है, महतारी बिटिया माँ बेटी। तो बाबूजी आप भी साथ में आए थे क्या? हाँ, हमारे साथ में आए थे। क्या हुआ था उस समय जब घटना हुई थी? अब जब यहाँ से मतलब सत्संग मतलब प्रभु जी चले गए तो सब चले लाग, तो मतलब सब गाड़ी पर का पहुँच गए, वो लोग गाड़ी पर ना पहुँचे। हम लोग ढूंढा तब अभी तक परेशान हो गया, बाकी ढूंढे नहीं मिल रही है। उमा बेटी दोनों अस्पताल गए थे? हाँ अस्पताल गए थे, बाकी ये अस्पताल में नहीं थे। वो बहराइच का ही रहने वाला एक जवान बेटा अपने पिता की तलाश में भटकता नजर आया, लेकिन कभी ना लौटने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हमारे पापा अभी तक मुझे नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए आप लोगों ने तलाश की, यहाँ किसी अफसर अधिकारी से बात की? जब से ये घटना हुई है तब से मुझे पता लगा है, तभी से मैं गाड़ी लेके ढूंढ रहा हूँ, और कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। एटा भी मैंने देख लिया चारों तरफ, रोड पे भी देख लिया, काफी जगह मैंने देखा, कुछ जो बसें जा रही उनको भी रुकवा के देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। अभी आप लोग की क्या गुहार है प्रशासन से? अभी तो गुहार सिर्फ हमारी इतनी है, हमारे पापा जहाँ कहीं भी हो मुझे मिल जाएं। ग्राउंड जीरो पर घूमते हुए हमें कई परिवार ऐसे मिले जिनमें कईयों का पूरा परिवार ही उजड़ गया, तो किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, किसी ने बुढ़ापे में अपनी पत्नी को खो दिया। मेरे घर से भी कुछ लोग गए थे और मेरी पत्नी तो पहली बार गई थी, क्योंकि मैं इस चीज पर कभी भरोसा नहीं करता हूँ। कल उन्होंने मेरी बेटी से बात हुई थी, मेरी बेटी का परिवार वहाँ जाता था, तो उन्होंने कहा कि इसके सहारे से मैं अपनी बेटी के यहाँ भी घूमा हूँ। जब मैंने वहाँ मोबाइल पर देखा कि ये घटना हुई है, तो फिर उन्हें मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मैं यहाँ आया तो उनकी बॉडी यहाँ नहीं मिली। फिर वो करीब 2 घंटे के बाद अपने आप घर आ गए। अपनों के बिछड़ने का कब कभी ना मिटने वाले जख्म और बेबस बेसहारा हो चुके सैकड़ों रिश्तों की जिंदगी में कभी ना भुलाया जा सकने वाला ये हादसा सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलने वाले फरार है। चुप है वो सिस्टम जो धर्म को हथियार बनाकर अंधविश्वास पर विश्वास जगाने का सदियों से काम करता रहा। आज ना तो दुख हरने वो बाबा सामने आया और ना ही धर्म धता की दवा बांटने वाले आयोजक ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सत्संग के बाद मची भगदड़ के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस की FIR में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन FIR में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। पुलिस FIR में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है।
आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच में छिपाया गया। सवाल यह है कि क्या अकेले आयोजक ही जिम्मेदार हैं या किसी और की भी जिम्मेदारी बनती है। रिपोर्ट देखिए। धगधड़, मौत, मातम और चित्कार, किस प्रकार की घटना? केवल एक हादसा नहीं होता, अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जुलाई के पहले मंगल को ही अमंगल हो गया। ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ, यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। जगह नहीं थी पांव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। साथ आई थी वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, करते चले गए। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी, कौन इसके पीछे? एक SIT गठित की है। हाथरस में 50,000 की भीड़ जुटी थी, भोले बाबा का प्रवचन सुनने लोग उमड़ पड़े थे, पंडाल और पंडाल के बाहर खचाखच भीड़ जुटी थी, सब ठीक चल रहा था, भोले बाबा मंच से ज्ञान दे रहे थे, लोग भक्ति भाव में हाथ बांधे सुन रहे थे, किसी को तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि सत्संग सिमटा और मौत की लहर उन्हें डुबो ले जाएगी।